व्हाट्सअप एवरीवन, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे शैडो फायर 3 अपने आप एंड्रॉयड मोबाइल पर चला सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और ये मैं आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना बताऊँगा कैसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। करने के बाद उसके बाद आप शैडो फायर 3 यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर शैडो फायर 3 नहीं मिलेगा और ये लिखा आ जाएगा कि दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ से मेरे कंट्री में यह लिखा आया था दिस आइटम इज़ नॉट अवेलेबल कंट्री, अभी तो मिल ही नहीं रही गेम। देखो मैं सर्च कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर नहीं है। तो सिंपली से इसको डाउनलोड करने का तरीका है, तो सबसे पहले आपको ना एक VPN की ज़रूरत पड़ेगी। VPN आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, हाँ वो कैनेडा का VPN हो, कैनेडा के साथ आप कनेक्ट करेंगे VPN कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कनाडा का VPN यहाँ से चूज़ करूँगा, इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपको नीचे एक एप्लीकेशन दिखेगी ओपन VPN फॉर एंड्रॉयड। अगर आप ये कनाडा VPN इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ साथ आपको ये भी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, डाउनलोड होने का इंतज़ार कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद मैं आपको बता दूंगा किस तरह से ये शैडो फायर 3 डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एक बार बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कोई बात है तो मेरे कमेंट में बात करना मत भूलिएगा। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं अपने iTrust एप्लीकेशन पर और उसके बाद ओके कर देना। उसके बाद आप इसे ना बैक कर दीजिएगा। उसके बाद आप सेटिंग पे जाएं, सेटिंग पे जाने के बाद आपने गूगल प्ले स्टोर यहाँ से ढूंढना है, यानी कि एप्लीकेशन मैनेजर ओपन करके यहाँ से आप गूगल प्ले स्टोर सर्च कर लें, या फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर। तो ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर आपने क्लिक कर देना और यहाँ से आपने क्लियर डाटा कर देना। अगर फोर स्टोर की ऑप्शन आती तो आप फोर स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने वही एप्लीकेशन ओपन करनी है कैनेडा की VPN, और इसको आपने कनेक्ट कर लेना है। मैं दरमियान के बटन पर दोबारा प्रेस ओके कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से थोड़ी देर वेट करेंगे और ये हो जाएगा। ये देखें लिखा रहा है कनेक्टेड, VPN कनेक्टेड हो चुका है। मैं आपको दिखाऊँगी, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप जिस तरह से आप उसको खोलेंगे तो इस तरह से आ जाएगा पेज। पेज को आपने सिर्फ स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा इससे बड़ा सा पोस्टर, और इस पर क्लिक करेंगे तो आप गूगल प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ पर आपको नेट की स्पीड अच्छी है तो यहाँ पर बहुत ही कम टाइम लेगा, वरना कुछ सेकेंड ले लेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए ऐसे आ जाएगा, ये आपने एक्सेप्ट कर देना। उसके बाद ये प्ले स्टोर खुल जाएगा और ये देखें शैडो फायर 3 आ चुकी है। अब आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, ये वही शैडो फायर 3 है ओरिजिनल। अब ये देखिए प्ले स्टोर सब इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, ना आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, और ये 350-400 MB की है। अब मैं इसे आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। एक बार ये आने के बाद आप बगैर VPN के डाउनलोड भी कर सकते हैं, VPN के बगैर भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये देखें डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, मैं यहाँ पे वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम बचाया जा सके। तो ये देखें डाउनलोड हो चुकी है, अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसको गेम प्ले दिखाने के लिए हम इसे ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, आपने परमिशन पर अलाउ कर देना है। उसके बाद ये देखें गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है। एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक के बटन को दबाइए, और अगर कोई बात है, कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, कोई से भी आपको गेम चाहिए तो आप कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट में मुझे बता दिया कर, मैं उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।